मुंबई में एक पारसी पिता ने अपनी बेटी को जन्मदिन का अनोखा तोहफा दिया है। बेटी को पारसी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए पिता ने लाखों रुपए खर्च करके एक प्रदर्शनी लगाई है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इस तोहफे से पूरा पारसी समाज भी बेहद खुश है। दीवारों पर उकेरी गई ये खूबसूरत नक्काशी गवाह है रिच पारसी कल्चर की। मुंबई के कोलाबा इलाके में इस अग्यारी यानी फैग टेम्पल में पारसी कल्चर की खूबसूरती को देखा जा सकता है। जिमी मिस्त्री नाम के एक पारसी ने 50 लाख रुपए की लागत से ये प्रदर्शनी लगाई है। मौका है अपनी बेटी के जन्मदिन का और मकसद है पारसियों की नई पीढ़ी को उनके रिच कल्चर से वाकिफ कराना। पेशे से आर्किटेक्ट जिमी ने इसके लिए काफी रिसर्च की है और पूरे सेट को डिजाइन करने में अहम भूमिका भी निभाई है। कम्युनिटी ने पिछले 50 साल में कोई भी ऐसी चीज नई करके दिखाई जिससे यूथ प्रभावित हो। आप अगर एक नई पीढ़ी के जनरेशन को प्रभावित नहीं करेंगे तो वो जनरेशन आपकी तरफ आएगा नहीं, उनको ऑप्शंस 50 पड़े हुए हैं। हम यूथ को ये चीज़ दिखाते हैं और उसके साथ उनकी संस्कृति उनको समझाते हैं, उनका खान पान रहन सहन जो आज तक भूल गए लोग, तो ये चीज़ें अपने आप में परिवर्तन लाएंगी युवकों के लिए। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत से तैयार ये सेट पारसी कल्चर से रूबरू करने के साथ ही पारसियों को एक मंच पर लाने का जरिया भी बना है। बेटी के जन्मदिन के मौके पर जिमी मिस्त्री ने विदेश से पारसी डांसर को भी बुलाया है। आमतौर पर पारसी अपने त्योहार सादगी और खामोशी से मनाते हैं जिससे लोगों को पारसी कल्चर के बारे में पता नहीं चल पाता है। ऐसे में जिमी मिस्त्री की ये पहल पारसी कल्चर से लोगों को वाकिफ कराने में महत्वपूर्ण जरिया बन सकती है। हरिकृष्ण दुबे के साथ अमित राय, जी न्यूज, मुंबई। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम क्राइम रिपोर्टर। ये है स्टार, और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे। धार्मिक समारोह के इस मौसम में मुंबई में पारसी समुदाय भी मना रहा है अपना खास नवरोज समारोह। समारोह के बहाने पारसियों ने अपनी प्राचीन पर्शियाई संस्कृति को भी याद किया। दुनिया भर में पारसियों का इससे भव्य समारोह अब तक नहीं मनाया गया। मनाए जा रहे पारसी समुदाय के इस समारोह के आयोजक जिमी मिस्त्री को अपनी 8 साल की बेटी नतालिया के पारसी घर में स्वागत का इससे बेहतर मौका शायद ही मिल पाता। पुराने पर्शिया शहर की तरह सजाए गए आयोजन स्थल को करीब से देखने के लिए इस सेरेमनी में बड़ी तादाद में लोग आए। इस शानदार सेट को खड़ा करने के लिए 500 से भी ज्यादा लोगों ने 2 महीने तक दिन रात काम किया। प्राचीन पर्शियाई संस्कृति को दर्शाने के लिए कई तरह के मूर्ति शिल्पी यहां स्थापित किए गए हैं। समारोह के आयोजक का मकसद इस तरह से पारसी नौजवानों को पारसी धर्म, सभ्यता और संस्कृति से सही मायनों में परिचित कराना है। अगर पर्शियन फेस्टिवल हमें करना ही है तो लेट अस गो ऑल आउट, डू एज मच एज वी वांट टू, मेक इट एज एलेबोरेट, यूज इट फॉर वन डे, ट्रायल एंड एरर यहां पे कर लेते हैं, बिकॉज इट इज माय हाउस पार्टी, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। नाउ वी मूव टू अ ग्राउंड इन बॉम्बे at Marine Lines, at the Parsi Gymkhana, and do a 7-day Persian festival. समारोह में आए मेहमानों के लिए लजीज पारसी व्यंजन परोसे गए और साथ ही पर्शियाई संगीत और धुनों के गहरे जानकार कलाकार भी इस मौके पर खास तौर से बुलाए गए। जिमी मिस्त्री का मानना है कि ऐसे समारोह के माध्यम से वे दुनिया को पारसी समुदाय और धर्म से वाकिफ कराने में कामयाब होंगे। मुंबई से बया अग्रवाल की रिपोर्ट। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, आपले मुंबईमध्ये आपलं स्वागत। सुरुवातीला एक नजर महानगरातल्या ठळक घडामोडींवर। समाजातल्या लोकांनी जवळ यावं
पारसी तरुणांना त्यांच्या संस्कृतीची जवळून ओळख व्हावी म्हणून जिमी मिस्त्री या आर्किटेक्टनं कंबर कसली. पारसी असोसिएशननं मुंबईत लवकरच होणाऱ्या पर्सियन फेस्टिवलची एक झलक काल त्यांनी त्यांच्या मुलीच्या नवज्योत या पवित्र समारंभात दाखवली. नतालिया या 8 वर्षाच्या मुलीचा हा सुध्रेपुष्टी अथवा नवज्योत समारंभ. हा समारंभ म्हणजे पारशी व्यक्तीला पारशी समाजात स्वीकारण्याची ही प्रथा. काल या चिमुरडीच्या या नवज्योत समारंभाचा थाटमाट वेगळाच होता. नतालियाचे वडील जिम्मी मिस्त्री यांनी या समारंभात पर्शियन शहरच वास्तवात उभारलं होतं. पर्शियन किंग फरवशी ग्रिफन्स या देवदूतांच्या प्रतिकृतीही इथं साकारण्यात आल्या होत्या. Talking about getting not only the Persian food, culture, art, architecture, form, films, books. This is one way of Parsi Resource Group of associating ourselves with the cause of improving the quality of life within the community, making the community feel rich of its culture. या समारंभात पर्शियन संगीताचा आनंद लुटता आला. त्यासाठी इराणहून खास नवरूज बँड आला होता. या समारंभात उभारलेला भव्य दिव्य सेट थोड्याच दिवसात मुंबईत होणाऱ्या पर्शियन फेस्टिवलमध्ये मुंबईकरांना पाहण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून अलिप्त असलेल्या पारशी समाजातल्या अनेक सुंदर गोष्टी मुंबईकरांना या फेस्टिवलमध्ये अनुभवायला मिळू शकतील. आपली मुंबई कुलाबा. थांबूयात, पुन्हा भेटूया काही क्षणातच वृत्तवेधमध्ये राजेंद्रसह. नमस्कार.